सो फ्रेंड्स, अब तारी में चने बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चने को ओवरनाइट सोक कर लिया है और अच्छे से वॉश करके रख लिया है। तो यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लूँगी। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए हमारा, हम इसमें कुछ कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। तो यहाँ पर कड़ी पत्ते तड़क गए हैं, आप देख सकते हो। और एक लाल मिर्ची अक्खी हमें ऐड करनी है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा दोस्तों। ये मैं सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ कि आप झटपट इसे बना पाओ। अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो तीखापन। और एक बड़ा प्याज को मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया था, उसे ऐड करना है। ये देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करना है, जैसे कि धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है मैंने। तो ये मसाला अच्छे से भून लीजिए 1 मिनट तक का। ध्यान रखिए आप इसको मीडियम फ्लेम पे ही भूनिए। तो यहाँ पर मसाला भून गया है, अब हमें चना ऐड कर लेना है इसमें। चने को अच्छे से मिक्स कर लीजिए मसालों के साथ। फिर इसमें हमें थोड़ा सी पानी डाल के इसको पकाएंगे। ये जल्दी पक जाएगा क्योंकि हमने इसको ओवरनाइट सोक कर लिया है। तो मैं यहाँ पे आधा छोटा गिलास पानी ऐड कर रही हूँ और नमक भी टेस्ट के हिसाब से ही लेना है। जितना आप क्वांटिटी में चना बना रहे हो वो हिसाब से आप नमक ले लीजिए। नमक को अच्छे से मिक्स करके इसको ढक के पका लेंगे। बहुत ही टेस्टी मज़े की चना मसाला बनकर तैयार होती है दोस्तों। तो इस तरीके से, सिंपल तरीके से आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती, इस तरह से आप बना लेंगे। तो इसे मैं ढक देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा चना जो है 5 से 7 मिनट के बाद बन गया है, बिल्कुल रेडी हो गया है। इस तरह से आप बना सकते हो, देख लीजिए चना एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से चना अभी बहुत ही गर्म है दोस्तों, ध्यान के साथ। और इसमें हमें फ्रेश धनिया की पत्ती भी ऐड करनी है, बस और कुछ ऐड नहीं करना है। गर्मा गर्म इसको सर्व करना है। अफ्तारी का वक्त हो तो आप झटपट से इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म चना जो है हमारा रेडी हो गया है। इसे अगर बनाओगे चना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, झटपट से बनकर तैयार हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मेरा। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर से मिलूंगी इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो।